अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं इन बैटरी की मदद से और ये BMS के मदद से मैं एक BMS सिस्टम पावर बैंक राउटर बनाने जा रहा हूँ। तो चलें देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम बनाएंगे। तो जिस तरीके से इसमें आप देख रहे हैं, ये मैंने स्ट्रिप्स इसको स्पॉट वेल्डिंग के थ्रू मैंने वेल्ड कर दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये किस तरीके से स्पॉट वेल्डिंग काम करती है, तो आप वीडियो में मेरी देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पे स्पॉट वेल्डिंग कर सकते हैं और स्पॉट वेल्डिंग है क्या। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इसको काम कैसे करेंगे। इसका ये मैंने 12 वॉट की बैटरी बनाई है, दो पैरेलल में रखी हैं, दो दो का पैरेलल बनाया है। पैरेलल बनाने के बाद इसको मैंने सीरीज में कन्वर्ट किया है। पैरेलल इस तरीके से कि ये दो जो बैटरी हैं इसको मैंने पैरेलल किया, ये माइनस हो गए। माइनस के बाद इसको हमने आए यहाँ, यहाँ हमने इसको पैरेलल किया। पैरेलल करने के बाद पॉजिटिव से निगेटिव के पैरेलल किए, निगेटिव के पैरेलल करने के बाद हमने इसको पॉजिटिव निगेटिव को मिला दिया। पॉजिटिव निगेटिव को मिलाने के बाद इसका जो निगेटिव आया है, इसका जो पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव को हमने पैरेलल किया और निगेटिव को हमने पैरेलल किया। फिर इन दोनों को हमने आपस में सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। अब सीरीज में करने के बाद ये फाइनल पॉजिटिव आया, पॉजिटिव से हमने इसको सिर्फ से पैरेलल करेंगे। पैरेलल करने के बाद ये पूरा 12 वॉट की बैटरी बन गई है। अब हम इसको इसमें देख भी सकते हैं कि कितने वोल्ट शो कर रहा है। ये हमने इसका यहाँ नेगेटिव लगाया, नेगेटिव लगाने के बाद ये पॉजिटिव लगाया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 12.5, 12.6 इसके वोल्टेजेस आ रहे हैं। तो अब हम इसमें BMS को इंस्टॉल करेंगे। टर्मिनल्स हैं निगेटिव B1, B2 और B पॉजिटिव। तो इसको देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको लगाएंगे। बैटरी का निगेटिव बैटरी के माइनस में लगा दिया है। अब B1 को लगाएंगे, ये इसका B1 है।
फाइनली फाइनली सारे कनेक्शन हो गए हैं, बस हम इसको तो फाइनली हमारा ये पावर बैंक बन गया है। तो फाइनली पावर बैंक तैयार हो गया है। इसके अंदर मैंने दो दो राउटर का ऑप्शन रखा है, एक टाइम पे दो राउटर चल सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर राउटर लगाना चाहें तो राउटर लगाएं एक के ऊपर, और दूसरे के ऊपर आप लाइट भी लगा सकते हैं। लाइट का भी बैकअप इजीली आप एक लाइट लगा के और दूसरा राउटर में भी लगा सकते हैं। मल्टी फंक्शनल मल्टीपर्पस यूज कर सकते हैं आप इसका। तो आज के लिए बस इतने ही, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है फुल डिटेल में बनाने की वजह से। तो आज के लिए बस इतने ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है आपको, किस तरीके से बना है, क्या है, इसके अंदर चीज़ें लगी हैं, वो सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं। और बाकी कि अगर इसको रेडीमेड आपको परचेज करना हो तो आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको लाइट भी दूंगा। आज के लिए बस इतने ही, वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।